ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि जो ईएमएफ जो डेवलप होता है उसकी वैल्यू हुआ करती है कितनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये वैल्यू जो है यहाँ तक आ गई थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सभी को क्लियर हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर क्वाइल को, पहला केस क्या था, देखिए इसमें इसमें हमने क्वाइल को जब स्टार्ट किया था, इस चीज़ को प्लीज़ समझिए, इसमें हमने जब स्टार्ट किया था क्वाइल को तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी की डायरेक्शन में क्वाइल का नॉर्मल गया है एन कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री है, 0 डिग्री। ये बात कल देखी हम लोगों ने कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, कल ये चीज़ देखी हमने। ओके, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल जो हमारे पास आ रहा है वो 0 डिग्री आ रहा है, ये चीज़ हमने देखी थी। अब जो नेक्स्ट केस बन रहा है वो ये है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही 90 डिग्री का एंगल ले लें, मतलब कैसा, मान लो ये क्वाइल रखी हुई है स्टार्ट में, ये क्वाइल आपके सामने की तरफ रखी हुई है, तो इसका नॉर्मल कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, एन वेक्टर जो है जिसको एन कैप बोलते हो बाहर आएगा। और फील्ड कहाँ जा रहा है, फील्ड यूँ जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना है, देखिए एंगल आपके पास 90 डिग्री है जिसको हम बोलते हैं पाई बाई 2 रेडियन। क्यों भाई आर्यन, बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलो। यस सर। हाँ, तो अब ईएमएफ क्या आएगा, क्या ईएमएफ अभी भी ई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा, नहीं। हुआ क्या है कि ये जो क्वाइल है जो इसको घुमा रहा था, ये घूमते 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 फ्लैट हो गई एकदम, ये जो क्वाइल है ये घूमते 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 क्या हो गई, फ्लैट हो गई, मतलब इसका 90 डिग्री से एंगल बढ़ गया, 180 हो गया है ना। नहीं नहीं, 180 नहीं हो गया बेटा, 0 से 90 हो गया, 0 से 90 हो गया। पहले ये 0 डिग्री था नॉर्मल का एंगल, देखो ना, पहले 0 डिग्री नहीं था, यहीं पर फील्ड जा रहा था और यहीं पर नॉर्मल जा रहा था, तो पहले एंगल 0 डिग्री था। अब जब ये क्वाइल रोटेट होके अपने सामने आ जाएगी ऐसे घूम करके, तो एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यस, तो मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री से बढ़ गया। मतलब सर जो बॉर्डर वाला पार्ट होता है वो कॉपी, जो मतलब फ्रंट पार्ट रहता है वो हमारे फ्रंट में ही रहेगा। हाँ, नहीं, कॉपी आपकी ऐसी थी, टेढ़ी थी, देखो बिल्कुल ऐसी, आपको बिल्कुल टेढ़ी थी इस तरफ, और ये घूम करके एकदम फ्लैट हो गई, मतलब वो कॉपी में चित्र वित्र नहीं बने, सीधी हो गई सामने, एकदम टीवी के जैसे कवर पेज सामने आ गया। हाँ, बस 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 वहीं पर कवर पेज सामने आ गया। तो इस समय ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे एंगल जो है वो है 90 डिग्री। तो अब आपको बताना है क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, आपके पास एक्सप्रेशन क्या था, ई इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी था, बट ओमेगा टी से अब एंगल बढ़ गया है क्या, 90 डिग्री को पाई बाई 2 बोलते हैं, या 90 लिख लो। अब आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है बेसिक, तो आपको पता होगा कि साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला ई जीरो साइन, साइन की जगह आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये है 90 और ये है थीटा। तो जो नया एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी बच्चों, नोट कर लो, वो क्या बनेगी, ई जीरो कॉस ओमेगा टी, ये बनेगी, और लिखा भी हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखा भी हुआ है, देख लो, है ना, लिखा हुआ है। यस, देखिए क्या लिखा है, पहले वाले सीन में तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। कह रहा, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ इज टेकन एज 0 डिग्री दैट इज नॉर्मल टू द क्वाइल इज एट 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि अगर हम इनिशियल पोजीशन ऑफ द क्वाइल देख लेते हैं 0 डिग्री, मतलब कि क्वाइल का जो प्लेन है, क्वाइल का जो प्लेन है वो तो फील्ड के पैरेलल हो गया, मगर जो क्वाइल का नॉर्मल है वो फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अरे यार, तो हमें तो नॉर्मल के एंगल से है ना मतलब, हमें क्वाइल के फ्लैट से थोड़ा ना मतलब है, हमें क्वाइल का प्लेन क्या उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए तो जो एंगल होता है वो नॉर्मल का एंगल होता है। तो इस समय क्या होगा अपने पास एंगल, सो देन थीटा बिकम्स थीटा प्लस पाई बाई 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। और आपको पता है बच्चों कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 में ई 0 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ई 0, मतलब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ई 0 से।
तो ई जीरो से लेकर के ये ग्राफ इस तरीके से थोड़ा सा बना लीजिए, ये थीटा की वैल्यू है। सर ये थीटा, थीटा में थोड़ा कंफ्यूजन है सर, बताना क्या बेटा किसमें कंफ्यूजन? थीटा में मतलब थीटा प्लस पाई बाय 2 क्यों क्यों लेते हैं, मतलब डायरेक्ट पाई बाय 2 क्यों नहीं लेते सर? देखो जो हमारे पास शुरुआत में भाई थीटा है तो एक एंगल ना, जैसे आपके पास मान लो शुरुआत में ये कॉइल थी, ये कॉइल थी, ओके बेटा ये कितने डिग्री पर है? जीरो डिग्री पर है, बोलो हाँ। यस सर, ये जीरो डिग्री पर है। तो अगर आप बात करोगे इसकी एट ए पर्टिकुलर एंगल जीरो डिग्री, अब ये एंगल जीरो डिग्री है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो डिग्री। अब घूमना यहाँ से शुरू कर रही है तो थीटा से घूमना शुरू करेगी, मान लो 10 डिग्री आ गई तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 प्लस 10 डिग्री। अगर 20 डिग्री आ गई तो 0 प्लस 20 हो जाएगा। और अगर घूम करके बेटा अगर यही चीज़ 90 डिग्री पर आ गई तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 प्लस 90। तो यार 0 प्लस 90 हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल एंगल क्या था, 0 था तो फ्लैट 90। जीरो का अपन ने थीटा मान लिया था? नहीं, मान नहीं लिया है। देखो जब आप शुरुआत में जब डेरिवेशन आप कर रहे थे, जब आप शुरुआत में डेरिवेशन आप कर रहे थे तो जब आपके पास शुरुआत में आपने डेरिवेशन इसका किया था उस पर जाओ। देखो मैं दिखाता हूँ, तो वो एंगल बताता हूँ वहाँ पे देखिए। एक्चुअली क्या था, वो एंगल जो आया था फ्लक्स का जो कॉस थीटा वहाँ से आया था। आप भूल गए हैं कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास आया था, फाई इज इक्वल टू, याद करो फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, याद आया? हाँ सर। तो फाई इज इक्वल टू मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे थीटा क्या हुआ करता था? थीटा हुआ करता था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, याद आया? नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल। हाँ तो ये वो वाला थीटा है भाई जो चलता रहा है। फिर अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया था, याद करो डी बाई डी टी के लिए, याद आया? यस सर। तो बी कांस्टेंट था, ए कांस्टेंट था, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस साइन थीटा। और वो अपने पास ई इज इक्वल टू माइनस हो जा, हाँ थीटा ओमेगा टी हो गया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, तो बी ए साइन ओमेगा टी कर दिया था, ठीक है ना? तो आप याद रखिए थीटा वो वाला है, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल है भाई, याद आ गया? पर सर एक चीज इसमें ये मतलब डिफेक्ट नहीं होगा क्या? कि जब अपन मतलब देखो घुमा रहे हैं उसको, प्लेट को, हाँ तो प्लेट को जब घुमाएंगे तो वो एंगल बढ़ता जा रहा है, तो बदलेगा ना? तो जी हाँ, तो जीरो से 90 आ गया, तो डायरेक्ट 90 क्यों लिख रहा है? आप एक बात बताओ, जीरो से, आप एक बात बताइए कि जैसे आप कह रहे हो कि जीरो से 90 है तो यहाँ पे डीफा बाई डी टी करेंगे तो ये इन्वॉल्व हो चुका ना, चेंज ही तो है ये, कॉस थीटा का चेंज ही तो होता है साइन थीटा। वो जो आप कह रहे हो कि सर चेंज ले लो, तो डी बाई डी टी कॉस थीटा ही तो भाई साइन थीटा हुआ, वो चेंज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गया ना, वो चेंज ही तो साइन थीटा आया है भाई। यस सर, यस सर। भाई डेल बाई डेल्टा टी जब आपने ऑपरेट किया है कॉस थीटा के ऊपर तभी तो वो बना ना माइनस साइन थीटा, समझ में आया? यस सर, हाँ, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा बना, तो ये ऑलरेडी उसमें वो ऑपरेट हो चुका है। क्लियर? यस, हाँ। तो ये इस तरीके से करना है, ये निशांत हंशिका क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, तो काम की बात जो है वो ये है कि अब हम यदि इसको थीटा प्लस पाई बाई टू, यदि 90 डिग्री आगे से लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा कह लो या कॉस ओमेगा टी कह लो, एक सेकेंड बच्चों, हाँ कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी। तो ये देखिए कॉस की ग्राफ ये जा रही है, हाँ चलो नोट कर लो इसको। तो इस तरीके से ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इस तरीके से जनरेट होती है हमारी एसी में, एसी करंट इस तरीके से जनरेटर्स में बनती है। जनरेटर आप सब लोग जानते होंगे ना, जनरेटर जो करंट बनाता है। सो दिस मेथड इज़ द इंड्यूसिंग ईएमएफ, दिस मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, नोट करिए, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर।
ओके तो क्या कहने का मतलब है, आप जो हैं ईएमएफ को साइन में भी लिख सकते हैं, साइन की फॉर्म में आपके पास आएगा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्वाइल कहाँ रहेगी उस समय, क्वाइल आपकी 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट होगी, और अगर क्वाइल आपकी 90 डिग्री से स्टार्ट होती है तो ए नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, है ना, कॉस ओमेगा टी का ईएमएफ जनरेट होगा। चलिए ये हो गया, ये जनरेटर मैंने आपको दिखाया गया है कि जो क्वाइल घूमती है कुछ इस तरीके से घूमती है, ये देखिए जनरेटर है, जनरेटर के मेन पार्ट देख लीजिए, ये होते हैं पोल मैग्नेट्स, इनको फील्ड मैग्नेट्स भी बोलते हैं, ये मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ओके। और ये क्वाइल है, ये जो आपको दिख रही है ब्राउन के कलर की, ये क्वाइल दिख रही है, ओके। और ये स्लिप रिंग लगी हुई है, इसका एक लेग छोटा होता है क्वाइल का और एक लेग बड़ा होता है, एक लेग बड़ा होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, देखिए इसका एक लेग छोटा होता है। कार्बन को हटाता है ना, हाँ ये कार्बन ब्रश होते हैं, कार्बन के ब्रश होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये मेटेलिक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब करंट को स्लिप रिंग से लाने का काम करते हैं क्वाइल तक, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वाइल को आप घुमाएंगे और ये गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिसिटी से होगी, बस ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही दे दिया है, अब मेनली आप आगे दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन एडी करेंट और डिफाइन फोकॉल्ट करेंट, डिफाइन एडी करेंट और डिफाइन फोकॉल्ट करेंट, एडी करंट या फोकॉल्ट करंट को डिफाइन करें। चलिए अब देखिए इसको समझाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्लक्स का चेंज, जैसे ही आपके पास मान लो ये आपके पास एक लोहे का कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब बिल्कुल लगातार, लोहे की एक छोटी सी प्लेट रखी हुई है, कंटिन्यूअस प्लेट है भाई, ये कंटिन्यूअस प्लेट है, लोहे की आयरन की कंटिन्यूअस प्लेट है, और आप यहाँ पर इसमें से देखो चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स अगर क्लोज्ड पाथ क्रिएट कर ले, अगर चेंजिंग फ्लक्स जो था अगर वो क्लोज्ड पाथ क्रिएट कर ले तो क्या डेवलप होती थी, करंट इंड्यूस होती थी, होती थी कि नहीं होती थी। हाँ सर। अब यहां पर अगर बदलने वाला फ्लक्स, मान लो आपने यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है समहाउ कैसे भी करके मान लो वो बदल रहा है, चेंजिंग है, तो इतने रीजन में ये जहाँ से ये जा रहा है इतने रीजन में क्या बदलता हुआ फ्लक्स पास होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। होगा सर। होगा। क्या ये रीजन अपने आप में क्लोज है कि नहीं है? है सर। क्लोज है क्योंकि लोहे का कंटिन्यूअस पाथ है, तो क्लोज रीजन में बदलते हुए फ्लक्स की वजह से क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इस पाथ में करंट के छल्ले, छोटे छोटे करंट के लूप बन जाएंगे, और ये करंट जो लूप में फ्लो होती है इस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। क्या चीज़ जरूरी है, क्या क्या चीज़ जरूरी है, एक है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, एक तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है, बिल्कुल सही, दूसरा बताया आ रहे हैं कि सर क्लोज्ड पाथ जरूरी है, क्लोज्ड स्लैब कह लो या पाथ कह लो, और क्या कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज से मतलब नहीं है कंटिन्यूअस, समझ गए ना, कंटिन्यूअस, जैसे एग्जांपल के लिए सर कंटिन्यूअस तभी होगा ना जब क्लोज्ड होगा पाथ। देखो नहीं 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 देखो अब बेटा देखो तुम, देखो दो चीज़ें हैं, मान लो कि तुम एक सिंगल छल्ला ले रहे हो, तो बेटा ये क्लोज तो है मगर इसमें एडी करंट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि जैसे तुम ये लाओगे ना नॉर्थ पोल, इसके पास में लेके आओगे तो नॉर्थ पोल पास में लेके आओगे तो अपोज करने के लिए ये भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, मतलब इसमें इधर करंट आएगी और इसमें इधर, इस पाले में,
मगर ये एडी करेंट नहीं है बेटा, क्योंकि एडी करेंट जो होती है वो मनमर्जी वाले पाथ में फ्लो होती है, और इसका तो पाथ स्पेसिफाइड है। एडी करेंट मालूम कब होगी? आप यहाँ पर एक क्लोज रिंग की बजाय एक 1 रुपए का सिक्का ले आओ, 1 रुपए का सिक्का, और अब ला करके आप मतलब यही वो काम करो। क्लोजली पैक्ड होना चाहिए, खोखला नहीं होना। बिल्कुल खोखला नहीं होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अब यहाँ पे आप ले आइए। तो एक्चुअली हमारी कोशिश क्या थी कि करंट केवल बाहर बाहर फ्लो हो, मगर जब यहाँ पर तुम हर जगह से फ्लक्स चेंज होगा तो इतने जो बीच का 1 रुपए के सिक्के का मान लो ये वाला पार्ट है, ये बोलेगा यार फ्लक्स चेंज तो हो ही रहा है और हम तो क्लोज हैं, तो एक काम करते हैं हम खुद का लूप बनाए लेते हैं, अपना ईएमएफ सेट कर लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं प्लस, एक पार्ट ले लेते हैं माइनस, और चलो अपनी क्लोज चलने दो करंट। तो एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप उसके बाहर बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा। तो जैसे अगर मान लो मेटल फिल है, उसी सीन में केवल एडी करेंट बनेगी। अगर पूरा फील्ड है वो मेटल, 1 रुपए के सिक्के की जगह 5 रुपए के सिक्के के जैसे, 2 रुपए के सिक्के के जैसे, तो भैया उसी समय में आपकी एडी करंट बनेगी, अदरवाइज एडी करंट नहीं बनेगी। देखो यहाँ पर दिख रहा है पूरा कंटिन्यूस मेटेलिक ब्लॉक है, और उस मेटेलिक ब्लॉक में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, और उसमें आपको क्या बनती दिखाई रही है, ये लूप बनते, एडी करंट बनती दिखाई दे रही है। अब आप जानना चाहोगे बच्चों, एडी करेंट वैसे तो है बड़ी लॉस वाली चीज़, बहुत लॉस है इसमें, लॉस कराती, क्या लॉस कराती है? देखो लॉस का क्या सीन है इसमें समझो यार, करंट कैसी भी हो आपको सबको पता है कि करंट का एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब एच प्रोपोर्शनल टू बच्चों मेरे आई स्क्वायर होता है, मतलब करंट की पावर 2 से हीट वेरी होती है, मतलब जितनी करंट दोगे उसके डबल पावर में हीट आएगी, मतलब करंट 2 गुना कर दोगे तो हीट 4 गुना हो जाएगी बंधु, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हाँ करंट करोगे 2 गुना तो हीट हो जाएगी 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर लगा है ना, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि है तो एक तरीके की करंट, और जब ये करंट किसी मेटेलिक पाथ से फ्लो करेगी तो क्या क्रिएट करेगी, जबरदस्त वाली हीट क्रिएट करेगी। हाँ ये तो कोई लॉ था ना सर? ऑब्वियसली नहीं, ये तो लॉ था, ये तो जूल्स लॉ था, इस लॉ की बात कर रहे हो ना, ये तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था, इसी साल पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा था। हाँ सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था ये, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हीट है यहाँ पे आती है, और हीट के क्या नुकसान ही तो नुकसान है, फ़ायदे बहुत कम हैं। तो ये हीट जो होती है आपकी डिवाइसेस को ख़राब कर देती है, तो हम चाहते हैं जिन डिवाइसेस में एडी करेंट ना बने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिन डिवाइसेस में हम चाहते हैं कि एडी करेंट ना बने उसमें हम ये जो क्लोज कंटिन्यूस पाथ देते हैं इसको हम टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये जो लोहे की शीट होगी पूरी की पूरी, उसको हम बिल्कुल छोटी छोटी पतली 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 स्लाइस में तोड़ देंगे, स्लाइस में तोड़ देंगे, और स्लाइस को तोड़ने के बाद हम एक पतली सी स्लाइस खोलेंगे, उसको किस में डुबाएंगे, उसको डिप करेंगे, एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं इंसुलेशन, इंसुलेशन लिक्विड, हाँ इंसुलेशन लिक्विड, इसको डिप करेंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर दूसरी वाली स्लाइस लेंगे उसको डिप करेंगे, बाहर निकाल के इसको चिपका देंगे इसके साथ दूसरी स्लाइस को। हाँ क्या फ़र्क पड़ा, अगर आप डायरेक्टली बिना इंसुलेशन के चिपकाते तो वो दोनों तो जुड़ करके एक ही हो जाती, तुमने मेहनत ही ख़राब करी। हाँ मगर आप डिप कर दोगे तो इसके और इसके बीच में एक प्लास्टिक की पतली सी लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से इनका फिजिकल कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कि बना रहेगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, और वो फिजिकल कांटेक्ट टूट जाएगा तो एडी करंट डेवलप नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एडी करंट को क्या चाहिए था, एडी करंट को चाहिए था क्लोज पाथ, समझ गए ना, एडी करंट को क्लोज पाथ चाहिए था, तो वो कनेक्शन इसका टूट जाएगा क्योंकि ये पतली पतली स्लाइस में हो चुकी है, समझ गए ना, इसको आपने पतली पतली स्लाइस में कर दिया है तो वो इनका कनेक्शन टूट जाएगा, जिससे एडी करंट जनरेट नहीं हो पाएंगी। मगर एडी करंट के थोड़े से यूजेस भी हैं,
अच्छे अच्छे यूजर्स हैं एडी करेंट के। आइए एडी करेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके यूजर्स को पढ़ लेते हैं। चलो निशांत, आवाज आ रही है? निशांत? यस सर। हाँ भाई, चलो पढ़ना शुरू करो। एडी करेंट क्या होती है? एडी करेंट और फोकॉल्ड करेंट पढ़ो। द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लूपिंग, अ करेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेटल इन द मेटल आर कॉल्ड एडी करेंट्स। एग्जैक्टली, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लूपिंग करेंट्स प्रोड्यूस इन अ सॉलिड मेटल, एक सॉलिड मेटल में जो प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड एडी करेंट। ये देखो एक सॉलिड मटेरियल है, ये मेटल का ब्लॉक है। अब ये नीचे से बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, बार बार बदल रहा है। इस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड को देख करके ये देखिए छल्लों के रूप में पूरे मटेरियल में अलग अलग छल्ले बन जाएंगे, दूर दूर तक, कोने कोने तक, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ तक छल्ले बन जाएंगे। एनिमेशन चल रहा है, करेंट घूमते हुए दिख रही तुम लोग को? नहीं दिख रही है? दिख रही है। हाँ, तो ये करंट है, इसको बोलते हैं अपन एरो भग रहा है ना, छल्ला नहीं घूम रहा है, एरो घूम रहा है। आपको लगा छल्ला भी घूम रहा है, ठीक है ना, एरो जा रहा है वो छल्ला नहीं जा रहा है। तो ये करंट कहलाएगी, ये करंट कहलाएगी आपकी एडी करंट। चलिए, सो दिस करंट आर कॉल्ड एडी करंट। अब यार आते तो दो एग्ज़ाम में हैं, पूछ सकता है कि एडी करंट के एग्ज़ाम्पल क्या हैं, यूज़ क्या है। तो एडी करंट के यूजेस पढ़ दो बेटा, समझ लो, दो चार यूजेस है बेटा। इसको क्या होता है, इसके क्योंकि ज़बरदस्त हीट करता है, तो हीट करने के लिए, हीट करने की वजह से इसका एक ज़बरदस्त यूज़ होता है। एडी करंट का इस्तेमाल करके बेटा बनाई जाती है भट्टी, भट्टी भट्टी मतलब देखे होगे ना ढाबे वगैरह में भट्टी होती ना, जिसमें नान रोटी बनती है, खाना बनता है ना, गैस चूल्हे की भट्टी बड़ी बड़ी, तो उसको भट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं फर्नेंस। और ये फर्नेंस क्योंकि इंडक्शन करंट की वजह से होती है, तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्शन फर्नेंस, ठीक ना? हाँ, इंडक्शन फर्नेंस। आपने वो देखा होगा इंडक्शन चूल्हा, देखा ना इंडक्शन चूल्हा, यूज़ हुआ किसी के यहाँ, किसी ने करा इंडक्शन चूल्हा यूज़? हाँ, तो तुम देखे होगे वो जो इंडक्शन चूल्हा है उसके ऊपर तुम अपना हाथ अगर रख दो तो तुम्हारे हाथ में गर्मी नहीं आएगी, बोलो? हाँ सर। तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं होता, एक पॉइंट कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, तुम बैठ जाओ उसके ऊपर तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बोलो यस और नो? यस सर। हाँ, मगर उसके ऊपर एक लोहे की या कोई भी मेटल की थाली रख दो, उसके ऊपर फिर आप सब्जी बनाओ, बढ़िया गर्मी करेगा, बोलो? आया समझ में? उससे सर वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता ना, इसलिए नहीं, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उसमें बदलता रहता है, यही इंडक्शन, इसी का कमाल है, एडी करंट का ही कमाल है। समझ में आया? यस सर। अरे भाई आपकी बॉडी में थोड़ी ना एडी करंट सर्कुलेट हो पाएगी, समझ गए ना? आपकी बॉडी मैग्नेट के लिए, आपकी बॉडी कहाँ रिस्पॉन्ड करेगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपकी बॉडी कहाँ रिस्पॉन्ड करेगी, समझ गए? मगर मेटेलिक करंट, मेटेलिक कंडक्टर तो रिस्पॉन्ड करेगा, यस और नो? हाँ, तो एडी करंट, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट पढ़ो भाई। निशांत, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट पॉइंट नंबर वन। फर्स्ट, इन इंडक्शन फर्नेंस एडी करंट्स आर यूज्ड फॉर मेल्टिंग आयरन ओर एक्सेट्रा, आयरन ओर को पिघलाने के लिए यूज होता है। सेकेंड पॉइंट, In speedometer, eddy currents are used to measure the instantaneous speed of vehicle. स्पीडोमीटर में जो एडी करंट एडी करंट की वजह से, स्पीडोमीटर जो गाड़ी में मीटर लगा होता है वो एडी करंट की वजह से उसको मेजर कर पाता है। थर्ड पॉइंट, इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर एडी करंट्स आर यूज्ड टू स्टॉप द डैम्पिंग ऑफ द कॉइल इन अ शॉर्टर इंटरवल। हाँ, ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, एक डेड बीट क्वालिटी मतलब टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, एडी करेंट आर यूज टू स्टॉप द डैम्पिंग कॉइल ऑफ द शॉर्टर इंटरवल। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था उस दिन कि अलग से क्वेश्चन आया था कि एक कॉइल टंगी हुई है नॉर्थ और साउथ के बीच में, तो वो धीरे धीरे हिलते 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 रुक जाएगी, बिकॉज यही चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एडी करंट जनरेट होती हैं, और वो एडी करंट क्या करती हैं, उसको रोक देती हैं। नेक्स्ट बेटा, अगला पढ़ो, इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक
in electric brakes of the train, eddy currents are produced to stop the rotation of the axle of the wheel. हाँ भाई देखो, जो इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं, इन इलेक्ट्रिक ब्रेक ऑफ द ट्रेन एडी करेंट प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं व्हीकल को, एक्सेल को रोकने के लिए घूमने से. अगला नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इन एनर्जी मीटर्स. एनर्जी मीटर मतलब जो हमारे घर में बिजली नापने के लिए मीटर लगे होते हैं, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉट मीटर. इन एनर्जी मीटर्स और कैन से वॉट मीटर्स, एडी करेंट आर यूज टू मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंजम्पशन को मेजर करने के लिए एडी करेंट का इस्तेमाल किया जाता है. सिक्स पॉइंट, इन डायाथर्मी एडी करेंट आर यूज फॉर लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडीज. इन डायाथर्मी एडी करेंट्स आर यूज फॉर लोकलाइज्ड हीटिंग फॉर इज लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडीज. ये सारे पॉइंट रटने थे तो खैर बस दो चार आते हैं, तो देख लेना जो आपको अच्छे लगें उनमें से आप रट लीजिएगा. चलिए बच्चों, अब स्टार्ट होता है इस चैप्टर का पार्ट नंबर टू. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन. ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्शन. सर मेरे को वो इंडक्शन वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ. कौन सा वाला पॉइंट? इंडक्शन हीटिंग वाला. हाँ, इसमें पॉइंट नंबर कौन सा पढ़ो? फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट. पहला पॉइंट था, देखो बेटा ये बताओ कि जो अगर किसी मेटेलिक सरफेस से, किसी मेटेलिक सरफेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो एडी करंट सर्कुलेट होंगी कि नहीं होंगी? यस सर, एडी करंट सर्कुलेट होंगी. चाहे दुनिया की कोई सी करंट हो, उस करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है कि नहीं होता? होता है. तो उस करंट की वजह से हीट डेवलप होगी कि नहीं होगी? होगी. बस, और जो चीज़ हीट डेवलप करेगी, गर्मी क्रिएट करने वाली चीज़ को आप भट्टी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ सर. तो यार बस हो गया, इसका नाम बन गया इंडक्शन फर्नेस. नहीं तो जैसे आपने बोला था ना कि अगर हम अपने उस पर हाथ रखते हैं तो क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि यार देखो सर, अपन भी तो सर कंडक्टर है ना, मतलब कंडक्ट तो होगी. देखो जिस लेवल का मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर सेटअप होता है, जो करंट उसके अंदर सेट हो पाती है, उस लेवल की करंट जो होती है हमारे अंदर सेटअप नहीं हो पाती है. और सर मैग्नेटिज्म अपने अंदर शो ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. होता है मगर ना के बराबर, बहुत कम. अपन को फर्क उतना नहीं पड़ता है, समझ गए? हाँ सर. मतलब मेटल बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसके लिए, अपन की बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है. हाँ ठीक ना. अब वो पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है, जो भी थाली प्लेट गंजी तपेली तुमने जो भी रखी, अपन थोड़े ना बने आयरन से. बोलो. यस सर. हाँ, अपने अंदर तो आयरन बहुत कम है, थोड़ा ही सा हीमोग्लोबिन के नाम में पाया जाता है ना. चलो भाई, तो ये हो गया. अब आता है बच्चों, तो कोई भी मेटल लेंगे सब में होगा ना सर? हाँ सब में होगा. ठीक ना, कांच के बर्तन वगैरह को छोड़ करके मेटल सब में होता है. ठीक है ना, मतलब जो कंडक्टर होंगे ऑलमोस्ट. हाँ, जो कंडक्टर होते हैं उनमें सब में होता है. ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं. अगले टॉपिक का नाम है बच्चों सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसे क्वेश्चंस पक्के आएंगे. आइए जानते हैं सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है. बच्चों ये देखिए, अब अभी तक हम मैग्नेट को बदल रहे थे, अब थोड़ा करंट के रोल पे आइए. अब समझिएगा, ये आपके पास बच्चों क्वाइल है, ये आपके पास क्वाइल है. आप सभी को पता है कि अगर यहाँ से करंट जाएगी, तो करंट जाएगी तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट होगा? इससे फ्लक्स बनेगा. बोलो हाँ या ना? यस सर. ओके, अगर मैं इस करंट को चेंजिंग करंट कर दूं, चेंजिंग करंट कर दूं, इस डायरेक्शन में जाने वाली चेंजिंग करंट बढ़ रही है. देखिए ये मैं यहाँ पे मैंने लगा दी एक बदलने वाली करंट. बदलने वाली करंट को अपन एसी बोलते हैं. तो यदि मैंने यहाँ पे करंट लगा दी जो बदल रही है, जो अमाउंट में बढ़ रही है, ऐसे देखो ये करंट पहले जीरो थी, जीरो से करंट क्या हो गई? हीरो. हीरो मतलब ये करंट बढ़ गई बच्चों. तो अब मुझे बताओ, अगर करंट बढ़ी है तो फ्लक्स भी उसी के रेशियो में बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा?
सर बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। क्योंकि ये तुम बता गए थे ओरस्टेड कि जितनी हाँ जोरदार हाँ करंट होगी उतना दूर तक फ्लक्स फैलेगा। तो यहाँ यस अगर सर करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी फैलेगा। मतलब अगर करंट का चेंज हुआ, मैंने क्या कहा, अगर करंट का चेंज हुआ तो क्या फ्लक्स का भी चेंज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो फ्लक्स का चेंज मतलब डीफा बाई डी टी, और फ्लक्स का चेंज किस चीज़ को पैदा करता है? ईएमएफ को। किसको पैदा करता है? ईएमएफ, ईएमएफ को। ईएमएफ और कैसा ईएमएफ पैदा करता है? आपके लगाए गए चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, आपके लगाए गए चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फॉर इंस्टेंट ये मान लो कि अगर आपके लगाए गए ईएमएफ की डायरेक्शन है प्लस से लेके माइनस, तो जो दूसरा ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। समझ में आया कि तो नहीं आया? ईडी करंट नहीं बोलेंगे यार, एडी करंट कहाँ यार। अच्छा हाँ, एडी वो ग्लो करंट सर्किट कंटिन्यूअस सर। पाथ में होती है बेटा, समझ गए? नहीं, कहाँ यस कंटिन्यूअस पाथ, ये तो प्योर इंड्यूस करंट है, समझ गए? तो यस इसका ईएमएफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ डेवलप होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा सर। होगा, क्योंकि अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस ईएमएफ को हम बोलते हैं बच्चों, डेवलप जो होता है इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस घटना को, इस इवेंट को, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? तो सेल्फ सर जो अपन ने ट्रेंड दिया है क्या और ये दिया? जो अपोजिट जो मतलब अपन ने ईएमएफ दिया था देखो, एक तरीके से तुम ये समझो कि आपका जो ईएमएफ है, आपकी जो बैटरी सप्लाई लगाई है, यहाँ लगाई है प्लस और यहाँ लगाई है माइनस। बोलो हाँ, यस बोलो। और इस रेशियो में आपका वोल्टेज लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बोलो यस हाँ। तो आपकी जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में क्या करेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी ना लगातार। मान लो यस पहले सर 0 एम्पियर थी, फिर कितनी हो गई? 4 एम्पियर चली गई। हाँ सर हाँ, तो फ्लक्स भी बढ़ गया, यहाँ पे चेंज होते लग गया। बोलो हाँ, है ना? बढ़ गया यस तो सर फ्लक्स पहले एक था, फिर बढ़ गया तो और जाने लग गए। तो फ्लक्स चेंज को क्या करने के लिए? अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जो आपकी मेन करंट यस है सर ये वो मैं जा रही बनेगा है ऐसी, क्या बोलेंगे इसको, क्लॉकवाइज। समझ में आया? यस सर तो एक हाँ सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट होगी, उसके लिए पोलरिटी क्या बनेगी? अपोजिट बनेगी ना। मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी हाँ सर इसकी पोलरिटी क्या बनेगी? इधर बनेगा प्लस और इधर बनेगा माइनस। उल्टी पोलरिटी बनेगी, नहीं बनेगी? बोलो यस भाई। सर बनेगा अभी इस कॉइल के अक्रॉस जो पोलरिटी है वो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और जिसमें करंट जो है इधर की डायरेक्शन में रेज कर रही है, मतलब बढ़ रही है। बोलो हाँ, बढ़ रही ना। यस सर और इस यस सर बढ़ते हुए करंट की वजह से बढ़ता हुआ फ्लक्स है, तो वो उस बढ़ती हुई चीज़ों को अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट डेवलप होगी। उसके लिए करंट के लिए क्या चाहिए? ईएमएफ चाहिए है। तो करंट इधर अगर जा रही है तो यहाँ चाहिए होगा प्लस और यहाँ चाहिए होगा माइनस। माइनस समझ में आया? यस सर ठीक है ना। तो यहाँ चाहिए होगा प्लस और यहाँ चाहिए होगा माइनस। तो मतलब एक ईएमएफ यहाँ भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस टर्मिनल के बीच में प्लस और माइनस करके उल्टे साइड में, इसको बोलोगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए? ये ईएमएफ कहलाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं है? एंड दिस होल यस प्रोसेस इज सर कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। फिर से लास्ट एक बार बता देता हूँ। एक क्वाइल होगी, एक कॉइल में आप अपनी बैटरी यहाँ पे लगाओगे प्लस और माइनस, और इस बैटरी में वोल्टेज आप बढ़ाओगे, करंट बढ़ाओगे। जैसे आप इस बैटरी में वोल्टेज कह लो, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट अपने आप बढ़ेगा, तो जैसे ही इस कॉइल में आप करंट को बढ़ाओगे ये फ्लक्स जो है ये भी बढ़ेगा। जब ये फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स का चेंज आएगा, और फ्लक्स के चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्रिएट होता है? ईएमएफ। तो आपका जो फ्लक्स का चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मेन जो करंट जा रही है उसके अपोज के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक पोलरिटी सेट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा इसका उल्टा प्लस और ये बन जाएगा माइनस।
और यहाँ पर जो ईएमएफ क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कहलाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझ गए। और इसकी वजह से जो करंट चलेगी, वो जो करंट फ्लो होके आएगी इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी, वो कहलाएगी सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। तो ये मेन करंट है जो आपने लगाया, और इसको लड़ने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए चेंज की वजह से जो करंट डेवलप हुई उसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। तो ये कहलाएगी सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, समझ गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्यों बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन इसको? क्योंकि एक ही क्वाइल में मेन करंट जाती है और उसी क्वाइल में दूसरी करंट जो है वो आती है। एक ही क्वाइल में मेन करंट है और उसी क्वाइल में ये आया करती है दूसरी करंट, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस करंट। इस वजह से इसको हम बोलते हैं, इस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आपके लगाए गए मेन ईएमएफ के विरोध में, मेन ईएमएफ के अपोज में एक उल्टा ईएमएफ डेवलप होता है जिसकी डायरेक्शन आपके मेन ईएमएफ के अपोजिट होती है, इसलिए सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का दूसरा नाम है बैक ईएमएफ। क्या नाम है बच्चों इसका? बैक ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का ही दूसरा नाम क्या है? बैक ईएमएफ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। चलिए अब आइए इसका फॉर्मूला थ्योरी डेरिवेशन कर लेते हैं बच्चों। शुरुआत कहाँ से होती है सब लोग जानते हो, ओरस्टेड साहब बोल गए फाई प्रोपोर्शनल टू आई, जिस हिसाब से करंट बढ़ेगी उस हिसाब से फ्लक्स बढ़ेगा। बोलो यस और नो। यस सर। भाई जितनी जोरदार करंट दोगे उतनी जोरदार फ्लक्स रहेगा, तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। तो बेटा प्रोपोर्शनल हटाओ, कॉन्स्टेंट लाओ, कॉन्स्टेंट यहाँ पे ले आओ एल इंटू आई। सो वॉट इज एल? एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। एल इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हाँ, इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। नोट करो बच्चों, इसी को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एल आई, एल इक्वल टू फाई अपॉन आई, दिस इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि L क्या है। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, डिफाइन L। L का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। कि भैया सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करो, तो डिफाइन L, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? आओ डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। सो एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। एक काम करो, करंट को कर दो 1 एम्पियर, करंट को कर दो 1 एम्पियर। ओके, सो एल, करंट को आपने कर दिया 1 एम्पियर, तो एल इक्वल्स टू यहाँ पे कर दो 1, यहाँ पे कर दो 5। सो एल इक्वल टू क्या हो गया? 5। मतलब बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बनी, किसी क्वाइल से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर उससे जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक होता है उस फ्लक्स की मात्रा को ही क्या बोलेंगे? उस क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस। इफ वी फ्लो अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इन द क्वाइल, देन द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। यस, वंस अगेन, इफ वी फ्लो 1 एम्पियर करेंट इन एनी क्वाइल, then the amount of flux linked with that coil is called self-inductance or coefficient of self-induction. Done? समझ में आया?
हेलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। अब इसको सिस्टमेटिकली एक बार देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद स्लाइड में देखेंगे क्या है ना। यस बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, सो फाई इज इक्वल्स टू एल आई, सो एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। यस बच्चों, यूनिट देख लें एल की, फाई को किस में नापा जाता है, वेबर में। आई को किस में नापा जाता है, एम्पियर में। सो द यूनिट विल बी वेबर पर एम्पियर, दैट इज ऑल्सो नोन एज हेनरी। सो द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज वॉट, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड हेनरी। एक बात, दूसरी बात, अभी मैंने बताया कि आप एल को डिफाइन करो, तो एल को डिफाइन करने के लिए क्या कर दो, करंट को ले लो 1 एम्पियर। तो करंट को ले लोगे 1 एम्पियर, तो एल किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के इक्वल। मतलब सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल का उस फ्लक्स के इक्वल है जिसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, जिस कॉइल में 1 एम्पियर की करंट हम फ्लो कर रहे हैं। लेटर ऑन इसकी डेफिनेशन अभी हम लिखा देंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं, अब निकालते हैं कि क्वाइल के ऊपर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मैंने बताया था ना, आपकी मेन ईएमएफ की डायरेक्शन क्या थी, प्लस से लेके माइनस। बट हमारा जो ईएमएफ जनरेट हुआ था वो अपोजिट साइड में जनरेट हुआ था, यहाँ बन गया था प्लस और यहाँ बन गया था माइनस। तो मुझे बताना है कि इस बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, या इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या पढ़ा है लेंज लॉ से, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। सो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, और फाई क्या होता है बच्चों, फाई होता है एल इन टू आई। तो यहाँ से एल को बाहर ले लो तो नेगेटिव ऑफ एल, और यहाँ पर आ गया डी बाई डी टी। सो आंसर नोट करिए, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। नोट करिए, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एल डी आई बाई डी टी। दिस इज ई एम एफ। सर ये रिलेशन है ना, जो एल बराबर पाई लिखा है वो बता दीजिए। उसमें मैंने डिफाइन करने के लिए कहा है कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करो, तो करंट की वैल्यू आप 1 एम्पियर ले लो, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लो, 1 एम्पियर ले लो, तो एल इक्वल टू क्या हो गया, फाई। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो फ्लक्स की वो अमाउंट होती है जो किसी कॉइल में तब डेवलप होती है जब आप कितने की करंट फ्लो करोगे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर जितना फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स उस कॉइल का क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, चलो ठीक है ना, ये वाला पार्ट नोट कर लो। वैल्यू रख दी ना डी फाई बाई डी टी, बस यहाँ फाई की वैल्यू रख दी तो अपने पास ई आ गया। हाँ सर, फाई की वैल्यू रख दी तो ई आ गया। यस सर। और एल कांस्टेंट था, आई वेरिएबल था ना। हाँ एल कांस्टेंट था, एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट था, आई वेरिएबल, आई वेरिएबल है। हाँ करंट बदलेगी ना बेटा। यस सर, करंट जीरो से तो हीरो। अगर 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 सर जीरो मतलब अपन बदल रहे हैं, जैसे अपन इधर रिलेशन में 1 एम्पीयर रखा और उसके बाद अगर अपन ने बदला तो फिर रिलेशन मिट जाएगा या वही रहेगा। नहीं ये अलग बात है भाई, ये अलग बात है ना, ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये ईएमएफ निकालने वाली बात है और ये एल को डिफाइन करने वाली बात है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। ओके सर, ठीक है ना, दोनों बातें जो हैं अलग अलग हैं। हाँ तो ये जो दोनों बातें हैं ये अलग अलग हैं, है ना, ये एल को डिफाइन करने वाली बात है। चलो खैर इसको देख लिया अपन ने, अब इसको सिस्टमेटिकली कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं लेक्चर को। चलिए देखिए, हाँ सेल्फ इंडक्शन, हंशिका का आवाज आ रही है बेटा, हंशिका। यस सर। हाँ सेल्फ इंडक्शन मैंने बताया कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, अपनी कॉइल में करंट चेंज करेंगे और खुद ही ईएमएफ डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जल्दी से पढ़ो, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल।
The induced EMF opposes the growth of decay of current in the coil and hence delays the current to acquire the maximum value. देखो जो main current होती है, उसके oppose में हमारी induced current develop होगी. तो main current क्या करेगी? induced current क्या करेगी? main current का oppose करेगी. बोलो करेगी कि नहीं करेगी? बताइए ना अभी मैंने ये बात. Yes sir. यही लिखा हुआ है. हाँ. पढ़ो. Self induction is also called inertia of electricity as it opposes the growth or decay of current. चलिए self induction का derivation phi is proportional to I, phi equal to Li, where L is called constant of proportionality is known as self induction or coefficient of self induction. If you taking I is equal to 1, then L becomes equal to phi. मतलब L जो है वो phi के equal हो जाएगा. The self induction is defined as the magnetic flux link with the coil when unit current flows through it. हाँ, अब बात करते हैं E की. तो आप जानते हैं Lenz law से E equal to minus d phi by dt. तो E is equal to minus d phi by dt. phi की जगह Li रख दिया था. तो L बाहर आ गया. E equals to minus L di by dt. ओके डी आई बाई डी टी को 1 ले लीजिए. मतलब जो एल डी आई बाई डी टी है वो 1 ले लेंगे. जैसे डी आई बाई डी टी मतलब करंट के रेट ऑफ चेंज को 1 ले लेंगे, ऐसे एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? ई के इक्वल. द सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द क्वाइल थ्रू विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इज यूनिटी. चलिए तो अब इस लाइन नीचे वाली लास्ट लाइन को बस डिफाइन करूँगा मैं, ये क्या कह रहा है. बच्चों अभी मैंने आपको डेवलप करवाया ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी नेगेटिव का. सो ई इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी और फाई की जगह क्या बताया मैंने बच्चों आपको? एल आई एल इन टू एल आई एल बेटा बाहर कर लो और ये हो गया डी आई बाई डी टी और ये हो गया ई. यस सर. एक काम करो, डी आई बाई डी टी मतलब क्या? करंट का चेंज. ऊपर है करंट, नीचे है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ बिल्कुल सही, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो आई डी आई बाई डी टी को अपन ले लेते हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड. डी आई बाई डी टी बेटा मानवी मैसेज कर दो ग्रुप में, क्लास में जुड़ जाएं सब लोग. सो 1 एम्पियर पर सेकेंड आई इज इक्वल टू एल बाई टी. सर एल बाई टी था ना? अरे बेटा एल डी आई बाई डी टी है, कहाँ एल बाई टी दिख गया तुम्हें, है ना? तो डी आई बाई डी टी मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दो. तो अगर आप यहाँ पे 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दोगे तो ई इज इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस एल. तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई. अब ध्यान से सुनना, मतलब किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस बैक ईएमएफ के इक्वल होता है. किसी ये बैक ईएमएफ क्या बोला? क्योंकि माइनस लगा है. किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस बैक ईएमएफ बोल दो या इंड्यूस ईएमएफ बोल दो, उस इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होता है वो जब क्रिएट होता है जिस समय करंट की चेंज कितनी होती है कॉइल से? 1 एम्पियर पर सेकेंड. तो यही चीज़ लिखी हुई है लास्ट में यहाँ. द सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस ई एम एफ सेटअप इन द क्वाइल थ्रू विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इज यूनिटी. रेट ऑफ करेंट का चेंज मतलब डी आई बाई डी टी जो है दैट इज गाइज यूनिटी, मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड. चलिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं थोड़ी देर में, लेक्चर देख करके अच्छे से आज के आज नोट्स बनाइए. 1 घंटे है, क्लास 11th लगने वाली है और 11th के फिनिश होने तक आप लोग इसका लेक्चर पूरा बना करके नोट कर दीजिए. चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों. माइनस कहाँ गया था उसका? अरे माइनस पीछे चला गया भाई ई के साथ, इसीलिए तो उसका नाम पड़ गया बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ. समझ गए ना? किसी किताब में माइनस नहीं लगा है, माइनस नेचर को बताता है. तो मैंने तो माइनस ले लिया, माइनस मतलब नेचर बताएगा. चलिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय. ओके सर, थैंक यू.